दोस्तों, मैं कुलदीप शुक्ला वापस आप लोगों के बीच में। दोस्तों, इस समय मैं सुलेम सराय में हूँ। आप मेरे पीछे जो दुकानें देख रहे हैं, मंदिर से लेकर के लगभग ये आगे लास्ट सदर तक, यहाँ पर पीडीए अधिकारी द्वारा आज तोड़फोड़ के लिए बुलडोजर आई हुई है। हालांकि यहाँ पर हमारे साथ विजय भाई हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्या है पूरा मामला, क्यों इसे तोड़ा जा रहा है और इनको 2 हफ्ते का जो हाईकोर्ट से आदेश मिला उसका क्यों मान्य नहीं है। यहाँ पर आपका परिचय जानना चाहूँगा। आप नाम? मैं विनीत गुप्ता, 415 सुलेम सराय में रहता हूँ। सर, ये क्या मामला है? ये मामला सर जो है स्टे चल रहा है, हम लोगों का जो है 23 तारीख को डेट लगी हुई थी, तो 23 तारीख से हमको 14 दिन का समय मिला है हाईकोर्ट के जरिए, जिसका कल अमर उजाला पेपर में पूरा लिखित आया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद पीडीए के अधिकारी के द्वारा बुलडोजर हमारे दुकान पर भेजा गया और उनके जेई, पीडीए के जेई जो है, शायद जो है नाम नहीं मालूम है, लेकिन वो बोले थे हमको बीबी सिंह ने भेजा, जो जोनल अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब बुलडोजर लगे हमें दुकान सामने खड़ा करके आपको जो तोड़ना है दुकान तोड़ना है आज। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग हैं भैया के पास जो। अच्छा, यहाँ का आपके पास कोई कागज वगैरह? ये हमारा ये 1944 से हमारे पास मकान की रजिस्ट्री है। ये 1944 का कागज है आपके पास? हाँ जी, ये उर्दू में लिखा हुआ है। हाँ जी, बहुत पुराना कागज भी आपके पास, सारा साक्ष्य चाहिए, जमीन आपके है ना? हमारे बाबा का, मतलब बाबा 2-3 पीढ़ियों से हमारे बाबा के बाबा से चलता चला आ रहा है। अच्छा अच्छा जी, तो ये अभी ये आपका कंफर्म नहीं हो पाया, कोर्ट से भी नहीं मिला है कंफर्म कि आपका है? नहीं, ये कोर्ट से अभी वो जांच कराने के लिए बोला है कि 2 हफ्ते का टाइम दिया है। जी जी, 2 हफ्ते के टाइम के बावजूद भी भैया यहाँ पे क्यों आए बुलडोजर? अब ये कह रहे हैं कि हम आज आए हैं बोलने के लिए, इसलिए हम यहाँ आए। हमें कोई जानकारी नहीं हाईकोर्ट के आदेश की, ये हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने आए। अच्छा, आप बताइए क्या मतलब, ये आदेश के बाद भी क्यों आए हैं? मतलब पता नहीं, ये कह रहे हैं हमें कोई जानकारी नहीं हाईकोर्ट के आदेश की। तो आप लोगों ने अभी बातचीत की? जी, मैंने बातचीत की, इसकी पूरी फोटोकॉपी दिखाई है, तो देखने के बाद अभी वो चले गए। अच्छा अच्छा, अभी आपने बुलडोजर वाले बुलाया तो उसने क्या कहा? वो बोल रहा है भैया मैं जो है नहीं जानता। अच्छा। पहले उसने कहा कि मुझे भेजा गया है, अभी मैं उसको जब बुला के पूछ रहा हूँ तो जो है दर्द मुकर रहा है। पहले बुलडोजर आपके यहाँ पर सामने, दुकान के ठीक सामने आके खड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, अब बोल रहा है कि हमें आज तोड़ना है आपको दुकान। तो आप लोग अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ पे मतलब ताकने बैठे, परेशान हो रहे हैं इसमें, तो ये रात में भी आ सकते हैं, शाम को भी आ सकते हैं, ऐसा? जब हमें जानकारी हाईकोर्ट के द्वारा, जब हमें 14 दिन का समय मिला गया है, हाईकोर्ट ने 14 दिन हमें जो समय दिया है, तो इसके बाद ये मतलब ये बगैर जानकारी कैसे आ सकते हैं? परेशान क्यों? पहले हमको नोटिस देंगे ना ये? जी जी, कोई लिखित आदेश देंगे हमको, हाईकोर्ट का आदेश मिला कि तोड़ने के लिए, हम आज तोड़ेंगे आपका। हाईकोर्ट से ऊपर हो गए ये? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हमारे साथ विनीत गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2 हफ्ता जो इनको समय मिला उसकी कोई बातचीत नहीं सुनी जा रही। यहाँ पे अधिकारी लगातार खड़े हैं, गाड़ी अपनी हटा नहीं रहे, बुलडोजर थोड़ा सा दूर हटा दिए हैं फिलहाल, और अभी जब पास में बुलाया गया बुलडोजर वाले को तो उसका तो खैर कोई मतलब नहीं, वो तो चालक है। हालांकि अभी अधिकारी नहीं नज़र आ रहे। मैं आपको पूरा मामला और वीडियो में लास्ट तक बने रही, मैं आपको दिखाता हूँ।